देश के अध्यक्ष और बहुत ही तेज तरार अध्यक्ष श्री केशव जी मौर्य, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय कल्लाद जी मिश्र, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार की वरिष्ठ मंत्री बहन सुश्री उमा भारती जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष मुकुट बिहारी जी वर्मा, महानगर के अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इस लखनऊ महानगर के मेयर डॉक्टर दिनेश जी शर्मा और भारत सरकार के मंत्री श्री और कौन है साधु निरंजन जी ज्योति, डॉक्टर महेंद्रनाथ जी पांडे और कौन है श्री पीके सिंह जी और कौन है अच्छा सुरेश जी खन्ना हमारे यहां पर भाजपा विधानमंडल दल के नेता यहां और से श्री सुधीर बालियान यहां पर मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों भाइयों जैसा आपके प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव जी मौर्य ने आपको बतलाया है उत्तर प्रदेश में 192 दिनों से लगातार यह परिवर्तन यात्रा चल रही है। आज इस लखनऊ महानगर में परिवर्तन यात्रा का संगम हो रहा है, परिवर्तन यात्रा का समागम हो रहा है और इस परिवर्तन यात्रा का समापन हो रहा है। कई परिवर्तन यात्रा की सार्वजनिक सभाओं में मुझे भी भाग लेने का अवसर मिला है और वैसे भी विभिन्न सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा को उत्तर प्रदेश में जो जनता का प्यार मिला है, जो जनता की मोहब्बत मिली है, शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा प्यार और ऐसी मोहब्बत भारतीय जनता पार्टी की किसी यात्रा को नहीं मिली है। और मैं स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर पहुंचा हूं, कोई भी राजनीतिक विश्लेषक होगा वह भी सही इसी नतीजे पर पहुंचा होगा कि इस बार की भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा ने इस उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक इस परिवर्तन की बुनियाद को स्थापित कर दिया है। इस सच्चाई को आप सभी स्वीकार करते हैं, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन हम कैसा परिवर्तन चाहते हैं? हम ऐसा परिवर्तन चाहते हैं कि ऐसी सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में बने कि जिस विकास और सुशासन को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों ने बनवास दे दिया था, हम उस विकास और सुशासन की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर घर वापसी कराएंगे। हम यह वादा उत्तर प्रदेश की जनता के साथ करते हैं और आज जब यह हमारी परिवर्तन यात्रा का अंतिम दिन है, हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि हम लोगों के श्रद्धेय नेता, जिनकी भारत में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में मानता है, ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पूर्व संध्या पर और उस स्थान पर हो रही है जिस स्थान से उन्होंने कई बार भारत की संसद में प्रतिनिधित्व किया है, उस लखनऊ महानगर से यहां पर हो रही है। आज आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि तालियां बजाकर उनके दीर्घायु होने की हम सभी यहां पर कामना करें। और हम इस बात को भी याद रखें, आजाद भारत के इतिहास में विकास और सुशासन देने का काम यदि किसी शख्स ने किया था तो उस शख्स का नाम है आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। 2014 में उसके बाद आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत देकर सरकार बनाई है। आजाद भारत के इतिहास में मेरे बहनों भाइयों, किसी भी राजनीतिक पार्टी को, किसी भी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हुआ था। यह हम सबका सौभाग्य है कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान की इकलौती
गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है जिसे भारत की संसद में 2014 में स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है। और हमारी सरकार जो 2014 से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है, भले ही हमारा कोई विरोधी क्यों न हो, इस सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करने का काम यदि किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो उस प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। मैं उन सारे विकास कार्यों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने क्या किया है, क्योंकि आज यह भाषण का समय नहीं है, आज यह हमारी परिवर्तन यात्रा का समापन का अवसर है। लेकिन आज नोटबंदी जैसे अहम मुद्दे को लेकर जो चर्चा की जा रही है, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी हो अथवा इस हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक पार्टी हो, इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, इसे चुनावी लाभ अथवा हानि के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। नोटबंदी का यह फैसला जो हमारे प्रधानमंत्री ने लिया है वह राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर यह फैसला किया है। हम लोगों ने हिंदुस्तान की जनता से वादा किया था, हिंदुस्तान की जनता से हमने वादा किया था सरकार बनने के बाद हम भ्रष्टाचार पर कुठाराघात करेंगे, काले धन के खिलाफ हम जंग करेंगे। और मैं समझता हूं वह हमने जो उस समय हिंदुस्तान की जनता को यह वचन दिया था उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने कदम उठाया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ पहला फैसला हमारी भारत सरकार की मंत्रिमंडल ने किया है, पहला यदि कोई प्रस्ताव पारित किया है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ, कालाधन जमा करने वालों के खिलाफ जांच करने के लिए एसआईटी बनाकर हम लोगों ने फैसला किया है। यह अभियान उसी समय से प्रारंभ हुआ था, इसलिए चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता हो अथवा किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता नेता, इसे चुनावी लाभ अथवा हानि के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, यह राष्ट्रहित में लिया गया फैसला है। हम भारत को विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं, हम भारत की आर्थिक विषमता को समाप्त करना चाहते हैं, काले धन को समाप्त करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए हमारी सरकार ने यह कदम उठाया है। और बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं कि आप सभी आज यह संकल्प लेकर जाएं, अपने अपने क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा समाप्त हुई है, संदेश जो उत्तर प्रदेश की जनता को पहुंचना था वह संदेश पहुंचाने में हमने कामयाबी हासिल की है। और हम तब तक चयन की नींद नहीं लेंगे जब तक कि 2/3 बहुमत से हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन जाती है। यह संकल्प लेकर हम अपने अपने क्षेत्रों में जाएं।